दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। इसमें क्या बोलते हैं कि आकृतिक में ए बी और सी डी, यानी कि एक आकृतिक है जिसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त है, यानी कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंदर परस्पर व्यास है और ओ बी छोटे वृत्त का क्या है व्यास है। यदि ओ ए का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तब क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग जो है उसमें तो उसका क्या बोल रहा है क्षेत्रफल। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हमने फिगर बनाए हैं जिसमें क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि सर यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है व्यास है, ओके ओके, और ओ डी क्या बोलते हैं छोटी त्रिज्या है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि मेरा बड़ी आर का मान कितना दिया गया है, बड़ी मान का आर का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ओके। अब छोटी आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यानी कि छोटी आर का मान कितना हो जाएगा तो ओ डी बटे कितना होगा 2, ओ बी का मान कितना है 7 7/2, तो कितना हो जाएगा मेरा छोटी आर का मान 7/2, ओके। अब ए बी एक निकाल देते हैं, ए बी को क्या लिखते हैं 2 × OA, ओके, यानी कि यहाँ पे 2 × 7 तो कितना आ जाएगा 14। अब हम क्या करना है छायांकित भाग का क्या करना है क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ओके, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से ये देखिए यहां से इधर क्या है ये अर्धवृत्त है, तो पूरी अर्धवृत्त यहां से देखिए इधर का अर्धवृत्त में क्या करेंगे ये त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो इवन में क्या बचेगा ये पार्ट और दूसरा क्या है ये छायांकित भाग है, तो इतना ही निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ओके। तो मेरा यहां से यहाँ का क्षेत्रफल एक ये है छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये क्या करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ओके। एक बार दोबारा समझ लीजिए गाइस, हमने क्या किया यहाँ यहाँ देखिए क्या किया, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पूरा यहाँ से इधर का जो यहाँ से यहाँ जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल में अगर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए तो मेरा क्या ये वाला पार्ट बचेगा, दूसरा छायांकित मत ये एक छोटा वृत्त है इसका अगर इसका प्रेस कर देंगे तो जो भी छायांकित भाग है मेरा निकल जाएगा। अब मेरा अर्धवृत्त का क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे क्या होता है 2 माइनस त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 × आधार × ऊंचाई, ओके, 1/2 × आधार × क्या होता है ऊंचाई, ओके, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 22/7 दे दें, तो 22/7 आर का मान यहाँ पे क्या देखेंगे बड़ी आर, ओके, बड़ी आर का मान कितना है 7 × 7 बटे कितना हो गया 2 माइनस 1/2 आधार मेरा क्या हुआ ये ए बी क्या हुआ आधार, तो ए बी का मान हमने कितना निकाला है 14, ऊंचाई कितना हुआ ओसी, ओसी का मान कितना है 7 प्लस 22/7, अब छोटी आर का मान कितना निकाल के रखे हैं 7/2 × 7/2, ओके। अब हमने क्या कहते हैं क्रॉस करते हैं, तो ये 11 बार में ये क्रॉस हुआ सर यहाँ पे क्या होता है 22/7 होता है, तो 7 × 2 = 7 से कटा, इसके बाद यहाँ पे 7 से कटा, इसके बाद यहाँ पे कितना से कटेगा गाइस, यहाँ पे भी देखिए कितना से कट रहा है 7 से, ये क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है 7 से, ओके, 1 × 2 = 11 7 से 1 क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे मेरा कितना बचा है देखिए ये 22 बचा और 7, तो 7 × 2 इसके बाद 22 से अगर इसको सताते हैं तो 11 × 2 = 11 कितना बचा गाइस यहाँ पे 77 माइनस 77 = 49 और प्लस कितना बचा है 11 × 7 = 77 बटे कितना बचा 2, ओके। अब सभी का लघुत्तम लेते हैं तो 2 तो ये हो जाएगा 77 × 154 77 × 154 माइनस 49 × 98 और प्लस कितना हुआ 77, ओके। यदि हम 154 और प्लस 77 को 1 कहते हैं, 154 और प्लस कितना 77 को 1 कहते हैं तो 200 कितना होगा 31 231 माइनस क्या है 98/2, ओके। अब 231 में क्या करते हैं 98 को हम माइनस करते हैं तो मेरा जो मान आता है 133/2, अब इसको 2 से अगर डिवाइडेड करते हैं, 2 से यदि इसको डिवाइडेड करते हैं तो 66.5, तो छायांकित क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 66.5, ओके। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक बार इनका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट ले दीजिए जिससे आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट